हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल लर्निंग। आज इस वीडियो को देख के आपकी एक टेंशन तो खत्म होने वाली है पीरियोडिक टेबल याद करने की, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आई गारंटी हूँ कि आप अभी के अभी पूरी टेबल को याद कर लेंगे। याद कर लेंगे मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, आप उनको 5 मिनट के अंदर पूरी टेबल में लिख पाएंगे, ठीक है। उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी वीडियोस जो हैं मैथ्स साइंस की क्लास 11th 12th के लिए वो आप सारी एक्सेस कर पाएं। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं आप। अब हमारा मेन जो मुद्दा है वो है पीरियोडिक टेबल को याद करना, ठीक है। याद आप तुरंत करेंगे मेरे साथ 5 मिनट के अंदर अंदर, बस आप देखते जाइए इस वीडियो में क्या क्या ट्रिक्स हैं याद करने की। तो पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को सिंपलेस्ट तरीके से बताऊं तो हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें आज वही याद करने हैं। पीरियोडिक टेबल क्या होती है? पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर डिस्प्ले है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने अरेंज कर रखा है एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है। और हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं, इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो रोज होती है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। तो जो सबसे पहला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, उसको हम कैसे याद करेंगे? ये वाला ग्रुप मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्रुप 1, इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको हम कैसे याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, वो मैंने साइड में मेंशन करा हुआ है, मैं बोल के भी बताती हूँ। और आपको बस मेरे को ध्यान से सुनना है और इसी वक्त आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी। इसके निमोनिक्स मैंने लिखे हैं, हाय लैला ने की रॉबरी, कैश लेके फरार। हाय, हाय का जो एच है वो मैंने रेड मार्क कर रखा है, लैला का एल, एन ए के आर सी एफ आर। तो ये जितने भी लेटर्स मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं ये क्या है? एलिमेंट्स। तो ये एक छोटी सी स्टोरी बनती रहेगी हर ग्रुप को लेके, जो आपको याद हो जाएगी और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं एलिमेंट्स उनको आपको याद करने हैं। तो फर्स्ट ग्रुप का निमोनिक क्या हो गया? हाय लैला ने की रॉबरी, कैश लेके फरार। इसी तरीके से हम सेकेंड ग्रुप देखेंगे अपना। सेकेंड ग्रुप है हमारा, बेबी मांगे कार, सोना रुपया, बॉयफ्रेंड रोए। तो यहाँ पे भी मैंने बी मार्क कर रखा है, एम मार्क कर रखा है, सी ए मार्क कर रखा है, एस बी आर। तो ये हमारे क्या है? ये एलिमेंट्स के इनिशियल्स हैं, ठीक है। जैसे कि बी ई से क्या हो गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम। तो फर्स्ट और सेकेंड आपको आई होप समझ आ गए होंगे। अब हम सीधा चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो पी ब्लॉक में सबसे पहले हम ग्रुप 13 देखते हैं। ग्रुप 13 का बहुत ही इजी है, बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल। तो सिर्फ इतनी सी एक लाइन में आपकी पूरी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स आ चुके हैं, बोल आलसी गाएगा इंडियन ताल। नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 हमारा क्या है? केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। हमें हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आती स्कूल में, और केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15, निकम्मा पाकिस्तान अफगानिस्तान, सब भिखारी। ग्रुप नंबर 16, ओए सुन सक्सेना, तेरी पोल खोलूं। तो इस तरीके से आप याद करोगे ना इसको तो भूल नहीं पाओगे कभी भी, और हैंड टू हैंड याद हो जाएगी आपको ये। ग्रुप नंबर 17 क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। और 18 वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। हीना, नीना और करीना के जिरॉक्स रंगीन, ठीक है। तो ये हमने बात करी अभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हमारे पास बचा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, उसको भी देख लेते हैं। ये दोनों होते ही पूरी टेबल आपके मुट्ठी में। अब हम बात करते हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। ये मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखा रही हूं।
जो भी ग्रीन से मार्क है ये हमारी है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की अगर फर्स्ट लाइन देखें वो है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जान। नेक्स्ट लाइन, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। इसकी फोर्थ थर्ड लाइन है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। डी ब्लॉक की लास्ट लाइन क्या बोलती है, अकाउंटेंट आर डी शर्मा जी को भूख लगी, फुल स्टॉप, हसमत, दिल्ली से है रंगीन कनेक्शन। बहुत फनी है ना। चलो लास्ट देखते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में हमारे पास लेंथनाइट्स है और क्या है एक्टिनाइट्स। ठीक है, तो लेंथनाइट्स में देखते हैं क्या है। लेंथनाइट्स हमारे यहां से स्टार्ट होते हैं सीई से, सेलिना परसो न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर से मिली, यूरोप गई तब देखा ये ऑनेस्ट इंजीनियर, बोली तुमसे यूं बेवजह लव यू है। ठीक है, लास्ट लाइन क्या है, टांगे पर उनकी नजर पड़ी आसमान सिमटा बिजली चमकी, एहसान फरामोश मैड नंबर वन लड़की। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है इस पीरियोडिक टेबल को याद करने की। देखने में बहुत डर लगता है, बहुत ऐसा लग रहा होगा कि कितना टाइम लगेगा आपको याद करने में, बट मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिए, आई गारंटी आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए।